दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने जो है टेक्स्ट कीबोर्ड का मैसेज, टेक्स्ट जो होता है कीबोर्ड जिससे मैसेज आप टाइप करते हैं उसका गलत कलर चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज कर पाएंगे दोस्तों। तो बहुत ही आसान तरीका है चेंज करने का, तो वीडियो को आपको पूरा देखना होगा तभी आप चेंज कर पाएंगे। तो इस कीबोर्ड का जो कलर है उसको हम चेंज करके दिखाएंगे। जैसे वाइट अभी है तो इसको मैं ब्लैक, नीला या कोई भी कलर आप मनपसंद चॉइस कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं अनिल टेक ज्ञान चैनल। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसको कलर को जो है चेंज करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, तो आपको दोस्तों उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे चार जो है छोटे छोटे बिंदी चौकोर टाइप का दिख रहा है, तो इसी पे आपको जो है टच कर देना है। जब इस पे आप टच करेंगे तो यहाँ बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन है, तो इसी आपके सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। तो जैसे ही सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे गाइस, तो यहाँ पे आपको जो है तीसरे नंबर पर थीम का ऑप्शन है, तो इसी थीम वाले ऑप्शन पर एक बार आपको टच कर देना है। तो जैसे ही थीम वाले ऑप्शन पर टच करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टीपल कलर जो है यहाँ पे आप चॉइस कर सकते हैं, जो भी आप चॉइस करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जो है ग्रीन करके दिखाता हूँ। तो मैंने ग्रीन पे जैसे टच किया तो देख सकते हैं कि मेरा कीबोर्ड ग्रीन जो है रेडी होके आ गया है। तो आपको इस पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करेंगे दोस्तों मेरा जो है ग्रीन कीबोर्ड लग चुका है। तो मैं आपको बैक करके एक बार दिखा देता हूँ। तो जिससे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर मेरा जो है कलर कीबोर्ड का चेंज हो गया है। तो ऐसे आप भी अपने जो है टेक्स्ट मैसेज का कीबोर्ड जिस पर टाइप करते हैं उसको चेंज कर सकते हैं कलर बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही वीडियो के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी, फिर हम एक नए वीडियो के साथ आएँगे। तब तक के लिए वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों।